राजस्व में आपका वेलकम है। आज हम कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर का जीवन परिचय बताते हैं। देखिए सबसे पहले इसको जीवन परिचय लिखना, साहित्य योगदान, रचनाएं, कृतियां, फिर साहित्य में स्थान। देखिए जीवन परिचय में आपको क्या क्या लिखना है, ये चीजें हम आपको देखिए PDF 5 के द्वारा आपको मुहैया करा रहे हैं। देखिए सभी लोग ध्यान से देखिए कैसे लिखना है, ये चीज हम आपको बता रहे हैं। देखिए जगन्नाथ रत्नाकर 1866 ईस्वी में पैदा हुए तो 1932 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखिए कवि और जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म 1866 ईस्वी में काशी के एक प्रतिष्ठित वैद्य परिवार में हुआ था। बचपन में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी की शिक्षा मिली। BA LLB BA के बाद MA की पढ़ाई इनकी माता जी के निधन का पूरी नहीं हो पाई। इनके पिता पुरुषोत्तम दास फारसी भाषा के विद्वान एवं काव्य मर्मज्ञ थे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखते चलिए। अतः इनके घर साहित्य प्रेमी आते रहते थे, यहीं से ये भारतेंदु जी के संपर्क में आए। देखिए आए तक लिखिएगा मात्र, यहाँ देखिए आए जो है ना, देख रहे हैं ना, देखिए देखिए कोई चीज न दिखाई दे तब देख लीजिए, फिर देखिए यहाँ पाते हैं, देखिए संपर्क में यहाँ यहाँ तक लिखिएगा, इसके बाद इतना छोड़ दीजिए। फिर लिखिए पहले उर्दू फारसी में कविता की, लेकिन बाद में ब्रज भाषा में लिखने लगे। इन्होंने साहित्य सुधारनी तथा सरस्वती पत्रिका का संपादन भी किया। काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में सहयोग दिया। सन 1932 इनका देहांत हो गया। देखिए जीवन परिचय बस इतना ही लिखना है। देखिए जी डियर बस जीवन परिचय देखिए यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद देखिए साहित्यिक योगदान लिखिए। अब साहित्यिक योगदान लिखने के बाद तब देखिए आगे आइएगा। देखिए साहित्यिक योगदान लिखना है। अब साहित्यिक युग में देखिए इनकी काव्य कृति में उधर सतर्कता, गंगा, अवतरण प्रमुख रचनाएं हैं। इनका मुक्त काव्य उधर सतर्क प्रबंधता का गुण ली हुई। देखिए एक पॉइंट हो गया, कितना पॉइंट, देखिए एक पॉइंट हो गया। एक पॉइंट के बाद देखिए अब दूसरा पॉइंट आपको लिखना है। देखिए देखिए एक पॉइंट यहाँ यहाँ तक लिखना है। अब दूसरा पॉइंट देखिए उधर सतर्क, देखिए वहाँ यहाँ यहाँ लिखने के बाद यहाँ पर जाइए। उद्धव सत्तक का प्रतिपाद विषय वही भ्रमण गीत प्रसंग है जो सूरदास ने भक्ति काल में चुना था, किंतु उनका शैली शिल्प रीतकालीन कवियों की भांति चमत्कार पूर्ण एवं अलंकार युक्त है। इसलिए उद्धव सत्तक के बारे में यह कहा गया है कि उनकी भक्तिकालीन आत्मा रीतकालीन के मौलिक कंचन संयोग से हुआ है। देखिए दूसरी पॉइंट आपको यहाँ तक लिखना है। ठीक, देखिए ध्यान से देखते जाइए। देखिए तीसरा पॉइंट याद लिखना है। इनकी खंड का गंगा वतन में गंगा के पृथ्वी पानी की कथा है। इसमें रत्नाकर जी ने का भाव वैभव अनेक रूपों में प्रकट हुआ। तीन पॉइंट तक यहाँ हो गया। अब देखिए देखिए बस इतना ही लिखिए, इतना बहुत काफ़ी है। साहित्य में योगदान बस इतना ही लिखिए, देखिए बहुत बड़ा नहीं करवाएंगे। देखिए बहुत छोटा छोटा करवा के आपको लिखवा रहे हैं। अब इसके बाद देखिए आपको ऊपर लिखना है इनकी प्रमुख कृतियाँ रचनाएँ जिन डालिए। देखिए उद्धव सतर्क, गंगा अवतरण, देखिए ये विराष्टक है, सिंगार लहरी है, गंगा लहरी, विश्रु लहरी आदि इनके संपादित ग्रंथ हैं। बिहारी रत्नाकर हित तरंग सूरदास भी हैं। बस यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे तो आपकी रचनाएँ पूरी हो जाएंगी। अब बची एक हेडिंग और है, अब देखिए आप लोग इसको लिख लीजिए तो मैं आपको आगे बता रहे हैं। अब देखिए आगे हम आपको बता रहे हैं साहित्य में स्थान। अगली हेडिंग जो है वो साहित्य में स्थान बताते हैं। ठीक है, देखिए साहित्य में स्थान के लिए आपको लिखना है रत्नाकर जी काव्य भक्ति भाव प्रधान है, उद्धव सतक श्रृंगार होते हुए भी भक्ति की आधार भूमि पर टिका। देखिए ये तो लिखना है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब इसके आगे देखिए देखिए क्या आगे यहाँ लिखना है। उद्धव गोपियों से मिलने के बाद प्रिंस संग में डूब गए। देखिए दो पॉइंट हो गया, देख रहे हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ जो देखिए पॉइंट ही हमने बनाया है वो बहुत छोटे छोटे बनाया है। अब देखिए आगे तीसरी पॉइंट देखिए, अलंकारों का प्रयोग भी रत्नाकर जी ने खूब किया है। श्लेष, उत्पच्छा, सांग रूप आदि के मनोहारी प्रयोग काव्य में हुए हैं। देखिए यहाँ तक हो गया तीसरा पॉइंट। अब चौथा पॉइंट देखिए यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए कि रत्नाकर जी ब्रज भाषा काव्य की महान विभूति हैं। बाबू सुरेंद्र दास जी ने कहा है एक विशेष पद पर परिसरमा को चलते 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 रत्नाकर जी ने साहित्य में अपनी ठीक है अपनी एक अलग अलग देखिए
लीक बना गए हैं। इस दृष्टि से भी हिंदी के एक ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं। देखिए ठहरते की जगह लिखी माने जाते हैं। ओके डियर, देखिए इतना आपको लिखना था। देखिए कोई भी चीज़ छूटा हुआ तो देख लीजिए दोबारा। ओके माय डियर, देखिए नीचे आते हैं। देखिए 5 मिनट में आपको पूरा बताने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपको आ जाए। देखिए निशान लगा के रखे हैं। जो भी अगर ना समझ में बताएगा, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक सब्सक्राइब कमेंट बताएगा। अब चलते हैं अगले वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। चले चले ठीक है।